नमस्कार मुआपणको स्वागत करुछि ओडिया माइथोलोजी को। हिंदू धर्म रा समस्त पुराण अनुसार विष्णु परमेश्वरंकर तीनिटि मुख्य रूप मध्यरु गोटिए रूप। पुराण अनुसार विष्णु को पालनकर्ता, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता एवं महादेव को संहारकर्ता कहा जाए। न्याय को सहारा देबा एवं अन्यायर विनाश करी उचित मार्ग देखाइबा पई भगवान विष्णु विभिन्न रूपे अवतार ग्रहण करिथांति। भगवान विष्णु एवं महादेव पाखे दुईटी महान अस्त्र रही। विष्णु पाखे सुदर्शन चक्र एवं महादेव पाखे त्रिशूल। आज वीडियो रे आमे आपन को जणाइबु केउ अस्त्र डी अधिक शक्तिशाली। भगवान विष्णु जगन्नाथ निकट रे हजार वर्ष पर्यंत पादर आंगुठी रे ठिया होई परम ब्रह्म पूजा करूथिले। भगवान शिव विष्णु कठोर पूजा देखी तांको सुदर्शन चक्र प्रदान करथिले। एही चक्र हाथ में जोर घूरिबा द्वारा किंबा पवन रे घूरी सेथिरु निया बाहरिले से शत्रु को ध्वंस कर देउथिला। त्रिशूल भगवान शिवंकर अस्त्र अटे। से सर्वदा त्रिशूल को तांको निकट रे रखिथांदी। एही अस्त्र रा व्यवहार महाभारत एवं रामायण रे होइथिला। एही अस्त्र द्वारा भगवान शिव निज पुत्र रा शिर छेदन करथिले। जेतेबेले महादेव सृष्टि रा आरंभ रे प्रकट होइथिले सत्य रज तम एही तीनिटि गुण मध्य तांको सह प्रकट होइथिले। एही तीनिटि गुण भगवान शिवंकर त्रिशूल रे माना जाय एवं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य एही त्रिशूल रे शोभा पाइथांदी। एबे आसंत जानिनेबा एही दुईटि मध्यरु केउं अस्त्र अधिक श्रेष्ठ। आमे जानिछे जे सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु श्रीकृष्ण अवतार रे ग्रहण करथिले एवं अनेक राक्षसंकर बद्ध करिछंती एवं माता सती मृत शरीर मध्य भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र द्वारा विभाजित करथिले। किंतु सत्य रज तम एही तीनिटि प्रकृतिर गुण भगवान शिवंक हाथ रे थिबारु आमे त्रिशूल को श्रेष्ठ मानिबा।